साल था 1974, जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, और सबसे ज्यादा हैरान अगर कोई था तो वो पाकिस्तान और चीन। लेकिन इसी के साथ भारत ने ये भी तय किया कि पाकिस्तान को ये परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। लेकिन उधर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तैयारी शुरू हो गई थी, और वो भी इतने चोरी से किया जा रहा था कि इसकी भनक तक किसी को नहीं मिल पा रही थी। खैर, रॉ की नजर बहुत पहले से ही इन देशों पर थी। 1968 में रॉ के बनने के बाद आरएन काओ ने अपना सारा ध्यान चीन और पाकिस्तान पर ही लगा दिया था। रॉ के बनने के बाद उसके जासूसों ने पाकिस्तान में एक अच्छा खासा नेटवर्क बना लिया था। पाकिस्तान में बना नेटवर्क हर चीज की खबरें देता रहता था। इसी नेटवर्क से रॉ को भनक लगी कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर धमाकों की तैयारी कर रहा है। लेकिन तमाम कोशिशें करने के बावजूद रॉ उस जगह तक नहीं पहुंच पा रही थी जहां पाकिस्तान चोरी छिपे परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत के 1974 के एटमी धमाके के बाद पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और तेज कर दिया था। अब रॉ को पता लगाना था कि पाकिस्तान किसकी मदद से ये काम कर रहा है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो जगह कौन सी है जहां पर ये परमाणु कार्यक्रम चल रहा है। आखिरकार काफी मेहनत के बाद रॉ ने पता लगा ही लिया कि पाकिस्तान का परमाणु बम बनाने का अड्डा कहां पर है। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने के लिए साल 1977 में भारत ने ऑपरेशन कहूटा की शुरुआत की। कहूटा पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर की एक तहसील है। ये वही इलाका है जहां से पूरी दुनिया इसकी भनक भी नहीं पा सकती थी। लेकिन जब भारत को इसकी भनक लगी तो उन्होंने इसकी खबर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को दी। ये खबर सुनकर मोसाद भी घबरा गया। उसे लग रहा था कि पाकिस्तान अगर परमाणु बम बना लेता है तो इसका इस्तेमाल इजरायल के खिलाफ कर सकता है, या फिर परमाणु बम बनाने की तकनीक इजरायल के दुश्मनों को दे सकता है। उसके पीछे की वजह ये थी और आज भी है कि पाकिस्तान के इजरायल के साथ किसी भी तरह के रिश्ते नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इसराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट मान्य है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल पाकिस्तान की आंख में कितना खटकता होगा। इसी बीच मोसाद को ये भी पता लगा कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान का आना जाना उत्तरी कोरिया में भी हो रहा है। उस वक्त उत्तरी कोरिया की कमान तानाशाह किम जोंग उनके पिता के हाथ में थी, और वो लगातार परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था। उत्तरी कोरिया भी इसराइल को अपना कट्टर दुश्मन मानता था, इसीलिए मोसाद को लग रहा था कि अगर अब्दुल कदीर खान की मदद से उत्तर कोरिया ने ये बम बना लिया तो उसकी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। अब रॉ के साथ मोसाद भी ये पता लगाने में जुट गया। आखिरकार एजेंसियों को उस जगह का पता तो लग गया जहां पर ये बनाया जा रहा था, लेकिन मुश्किल इस बात की थी कि उस जगह के अंदर कैसे जाया जाए। रॉ और मोसाद को मालूम था कि प्लांट के अंदर घुसपैठ बनाने के लिए उन्हें कई साल का वक्त लग सकता है, और इतना वक्त उनके पास नहीं था। रॉ के एजेंट अपनी तमाम कोशिशें कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा सुराग नहीं मिल पा रहा था जो इस बात पर मोहर लगाते कि कहूटा में पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। रॉ के एजेंट अब उस जगह पर आने जाने वाले हर किसी पर नजर रखने लगे। उन्होंने ऐसे लोगों पर खास नजर रखना शुरू किया जो उन्हें लगता था कि इस प्रोग्राम से जुड़े हो सकते हैं। आखिरकार एजेंट ने एक ऐसे शख्स को चुन ही लिया जो उन्हें लगता था कि इस कार्यक्रम की अहम कड़ी हो सकता है, जिसके बाद उसकी जासूसी शुरू हुई। जासूसी करते करते इस बात का भी पता चल गया कि जिस आदमी का वो पीछा कर रहे हैं दरअसल वो एक पाकिस्तानी वैज्ञानिक है। लेकिन सवाल ये था कि बिना किसी शक के उस शख्स से कैसे पता करें कि कहूटा की उस इमारत में परमाणु बम बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए रॉ ने अब भारतीय वैज्ञानिकों की मदद ली और उनसे पूछा कि आखिरकार किसी परमाणु कार्यक्रम में काम कर रहे किसी शख्स से बिना पूछताछ किए कैसे पुष्टि हो सकती है कि वो किसी एटमी प्रोग्राम का हिस्सा है। यहाँ वैज्ञानिकों ने रॉ को एक बेहद इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी परमाणु कार्यक्रम में हिस्सा लेता है तो उसके शरीर में ऐसे कई रेडियो एक्टिव कण चिपक जाते हैं जिनसे इस बात का पता लगाया जा सकता है कि वो किसी परमाणु कार्यक्रम में शामिल है या नहीं। एजेंट समझ नहीं पा रहे थे कि उस वैज्ञानिक की ऐसी कौन सी चीज हासिल की जाए कि किसी को शक भी ना हो और पता भी चल जाए, क्योंकि एजेंट्स को इस बात की भनक थी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भी इस प्रोग्राम में शामिल लोगों पर नजर रखे हुए है। काफी सोचने के बाद ये तय किया गया कि वो उस वैज्ञानिक के बालों का सैंपल लेंगे जिससे पता चल सकता है कि वो किसी ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा है या नहीं। ऐसे में एजेंट्स को पता था कि वो कहां बाल कटाता है। एक दिन जब वो बाल कटाने पहुंचा, उसके पीछे एजेंट ने जमीन पर गिरे उसके बालों का छोटा सा गुच्छा हासिल कर लिया। इसके बाद बालों के सैंपल को हिंदुस्तान भेजा गया।
जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो ये कंफर्म हो गया कि उस पाकिस्तानी वैज्ञानिक के बालों से रेडिएशन मिला है। अब ये तय हो गया था कि कहूटा की उस इमारत में प्लूटोनियम रिफाइनिंग का काम चल रहा था जिसकी मदद से एटम बम बनाया जाता है। रॉ के इस इनपुट के बाद इसराइल ने तो लगभग इस परमाणु ठिकाने को उड़ाने की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन अब आती है वो गलती जिसने सब बर्बाद कर दिया। हुआ ये कि उस वक्त देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को भी ये रिपोर्ट दी गई। उस वक्त भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इतने खराब नहीं थे जितने आज हैं। उस वक्त पाकिस्तान में फौज का कब्जा था और पाकिस्तान की बागडोर जियाउल हक के हाथों में थी। अभी उधर रॉ इस जगह को तबाह करने का प्लान बना ही रहा था कि एक फोन कॉल के दौरान मोरारजी देसाई ने जियाउल हक पर टोंट मारते हुए कहा कि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान का सीक्रेट प्लान क्या है, जिससे जियाउल हक सब समझ गया। अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी एक्टिव हो गई और उन्हें पता चला कि इसराइल उनके परमाणु ठिकानों पर हमला करने वाला है। इस बात की शिकायत पाकिस्तान ने अमेरिका से की और अमेरिका से मिन्नत की कि वो इसराइल को हमले से रोक ले। जैसे तैसे अमेरिका ने इसराइल को भरोसे में लिया और अमेरिका के कहने पर इसराइल ने खुद को इस मिशन से खींच लिया। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने जो उस वक्त महज अपने बड़बोलेपन में कहा, उसने न केवल कई रॉ एजेंटों की जान ले ली बल्कि पाकिस्तान में पूरे रॉ नेटवर्क को ही बर्बाद कर डाला। ऑपरेशन कहूटा रॉ के कई शानदार ऑपरेशंस में से एक माना जाता है, जिसके इनपुट का इस्तेमाल अगर ठीक तरह से होता तो शायद आज तक पाकिस्तान परमाणु बम बना ही नहीं पाता और आज वो और चीन हमें आंख ना दिखा पाते। तो दोस्तों, ये थी रॉ की एक बेहतरीन कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।